नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, प्रदेश में लॉकडाउन का बनना तय है, सीएम की मोहर का इंतजार है। तो देखते हैं खबर क्या है, पूरी खबर पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए मित्रों, कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों ने 10 जून तक अवधि बढ़ाने पर जताई सहमति। जी हाँ, फिलहाल के लिए 24 मई तक लॉकडाउन लागू है, और जो कल बैठक हुई थी उसमें सभी मंत्रियों ने 10 जून तक अवधि बढ़ाने की पर सहमति जताई है। अब इसमें अंतिम मोहर जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की लगने बाकी है। इसके बाद पता चलेगा कि लॉकडाउन कब तक रहेगा। वैसे उम्मीद है कि 10 जून तक तो कम से कम लॉकडाउन रहने ही वाला है। तो पूरी खबर देख लेते हैं क्या है। देखिए, प्रदेश में हालांकि कोरोना संक्रमितों की संख्या लॉकडाउन के बाद से घटी है, लेकिन प्रदेश में 24 मई तक लॉकडाउन को राज्य सरकार 10 जून तक लागू रख सकती है, ताकि कोरोना संक्रमितों की दर में और ज़्यादा गिरावट आ सके। ऐसे में माना जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ना तय है। बता दें कि कोरोना लॉकडाउन की पाबंदियों को जारी रखने के साथ ही अनलॉक शुरू करने पर विचार के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार दोपहर में कैबिनेट की वर्चुअल बैठक बुलाई। बैठक में अधिकांश मंत्रियों ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 10 जून तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाए जाने पर सहमति जताई। माना जा रहा है कि मंत्रियों व एक्सपर्ट्स की सलाह पर नई गाइडलाइन को मंजूरी पर मुख्यमंत्री गहलोत शाम तक मोहर लगा सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज शाम तक मुख्यमंत्री गहलोत जो है इस पर मोहर लगा सकते हैं, और शाम तक पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। लेकिन देखिए, कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट और लॉकडाउन की पाबंदियों पर चर्चा की गई। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने पर चर्चा के बाद गृह विभाग लॉकडाउन बढ़ाने के लिए गाइडलाइन जारी करेगा। गौरतलब है कि अशोक गहलोत ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 24 मई तक के लिए प्रदेश भर में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था। सख्ती रहेगी बरकरार। जी हाँ, हालांकि लॉकडाउन को पहली अवधि में भले ही कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या घटी हो, लेकिन सरकार लॉकडाउन की दूसरी अवधि में भी सख्ती बरकरार रखेगी। सरकार सख्त लॉकडाउन का पालन करेगी। लॉकडाउन में सख्ती का असर ही है, अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या घट रही है। मनरेगा ऑनलाइन करने पर विचार चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के कामों पर 10 मई से रोक है। कई जनप्रतिनिधियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के काम फिर से शुरू करने की मांग रखी है। नई गाइडलाइन में मनरेगा के कामों को शुरू करने की छूट मिल सकती है। दुकानों का समय बढ़ाने पर भी विचार किया गया है। जी हाँ मित्रों, देखिए, नई गाइडलाइन में किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। इन दुकानों को अभी सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति है। इस समय को बढ़ाया जा सकता है। तो जी हाँ मित्रों, तो एक दुकानदारों के लिए भी एक अच्छी खबर है कि उनके लिए जो दुकान खोलने का समय है वो बढ़ सकता है। खाद, बीज और कृषि उपकरणों से जुड़ी दुकानों को छूट संभव है। प्रदेश में एग्रीकल्चर इनपुट और उपकरणों से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों से इसकी लगातार मांग की जा रही है। किसान खरीफ की बुआई की तैयारियों के लिए खेतों को सुधारने के काम में लगे हैं, इसलिए खाद, बीज और कृषि उपकरणों और उसके मेंटेनेंस से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट देने का प्रावधान हो सकता है। तो ये किसानों के लिए भी एक अच्छी खबर है। तो कुल मिलाकर की बात यह है कि जो लॉकडाउन है वो 10 जून तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ रियायतें दी जाएंगी और लॉकडाउन की बाकी शर्तें वही सख्ती से पालन करवाई जाएंगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन कब तक बढ़ेगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।